नसरुल्लागंज तहसील में लोकायुक्त की टीम ने आईटीआई के अधीक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अधीक्षक गणेश प्रसाद प्रजापति ने अपने ऑफिस में काम करने वाली कंप्यूटर ऑपरेटर से सैलरी का चेक देने के लिए 2500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत कंप्यूटर ऑपरेटर ने भोपाल लोकायुक्त से की थी। इस पर लोकायुक्त की टीम ने अधीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कंप्यूटर ऑपरेटर किरण का अपॉइंटमेंट नवंबर माह में 10,500 रुपए के मासिक वेतन पर किया गया था, लेकिन इसमें से हर महीने 2,500 रुपए अधीक्षक प्रजापति ले लेता था। जिससे परेशान होकर किरण ने इसकी शिकायत भोपाल लोकायुक्त टीम से की थी और टीम ने योजना बनाकर अधीक्षक प्रजापति को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये क्या मामला था और किस बात की रिश्वत मांग रहे थे? सर, इन्होंने हमें काम पे रिश्वत मांगते थे। क्या काम पे थे आप? काय में? कहाँ? आईटीआई में। कितनी रिश्वत मांग रहे थे, कब से? सर, दिसंबर से। सर, दिसंबर माह के उन्होंने 6,500 रुपए दिए और बाकी 11 माह का हमें काम दिया था। सर, जब तक काम करेंगे, जब तक हर महीने 2500 रुपए देना। दिनांक 23 फरवरी 2019 को किरण बाकरिया नाम की महिला, जो कि यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ है, उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त संगठन भोपाल संभाग को इस प्रकार की शिकायत की गई थी कि ये आईटीआई नसरुल्लागंज का डायरेक्टर मिस्टर गणेश प्रसाद प्रजापति उससे उसके 10,500 रुपये जो उसकी तनख्वाह होती है उसके चेक के बदले में कहते हैं कि 2,500 रुपये महीने उसको कमीशन के रूप में देना पड़ेंगे, तब जाके उसकी हम तनख्वाह विड्रॉ करेंगे। इस शिकायत का सत्यापन कराया गया पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा। सत्यापन के पश्चात अग्रिम कार्रवाई के लिए आज भेजा गया, तो आज आईटीआई के जो डायरेक्टर हैं यहाँ के मिस्टर गणेश प्रजापति वो 2,500 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। सर,